हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू चने सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ पे चने लिए हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम चने को रात भर भिगो कर लिया है। इसी के साथ देखिए, हमने यहाँ पे सोयाबीन लिए, सोयाबीन भी मैंने 100 ग्राम लिए। इसे मैंने 2 घंटे पहले फुला दिया था, तो ये अच्छी तरीके से फूल गए। इसी के साथ हमने एक आलू, जिसे हमने रफली काट लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर हम सबसे पहले रखेंगे एक पैन। तो उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, 4 साबुत लाल मिर्च। इसी के साथ हम डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने इस तरीके से छील लिया है, और इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए, मसालों में से अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक प्याज, जिसे हमने रफली काट लिया है, 1 इंच अदरक, अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छील कर काट लिया है, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। मसालों को हमने पहले ही भून लिया, हम इसे ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। तो देखिए, मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून गए। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अब हमें लगेगा कि पानी डालना है, तो ही हम इसमें पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। तो अब हमने गैस पर रख दिया कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, और जो हमने आलू काट कर लिया हुआ है उसे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम इसे किसी प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, मसाले को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, और 2 से 3 बार हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मसालों को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मसालों में से तेल अलग होने लगा है। तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम मसाले को एक बार और पका लेंगे। मसालों को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, और मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए, अब हमने इसमें डाल दिया है 1 टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन, जो हमने पहले से फुला कर रखी हुई थी, और चने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू, इसे भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जैसी आप ग्रेवी चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, लेकिन पानी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डालना हो, क्योंकि चने जो हैं, चने पकने में टाइम लगता है। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से कुक करेंगे। तो देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। आलू और सोयाबीन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चने जो होते हैं, चने पकने में टाइम लग जाता है। अगर आप इस सब्ज़ी को कुकर में बनाते हैं, तो आपकी सब्ज़ी है 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आ गया है। और आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।